एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां पे मेरी तैयारी चल रही है फ़ोटोशूट के लिए, हेयर स्टाइल कराने को। मैंने अपने हेयर ड्रेसर भैया को बुलाया है, घर पर ही हेयर स्टाइल करा करके मैं जाने वाली हूँ। थंबनेल टाइटल देख करके अब आपको सब समझ में आ ही गया है कि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना मैटरनिटी फ़ोटोशूट जो है वो कैसे कराया, कहाँ कराया, कैसे कैसे फ़ोटोज़ क्लिक कराए, क्या ड्रेस पहना, ये सारी बातें। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे अपना हेयर स्टाइल जो है वो घर पर ही करा के जाऊँगी। थोड़ा सा हेयर कट भी कराना था क्योंकि हेयर जो है वो बड़े हो गए थे और आगे आफ्टर डिलीवरी नहीं इतना मैनेज हो पाता है, तो थोड़ा सा हेयर कट करवाया है। एंड अब यहाँ पे मेरा जो हेयर स्टाइल है वो बनाना शुरू कर रहे हैं भैया। तो मेकअप तो मैं खुद ही कर लूँगी ऐसा मैंने सोचा है, और मैंने सोचा हेयर स्टाइल के लिए बुला लेती हूँ क्योंकि पीछे बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा अकेले अपने आप से हेयर कर्लिंग। एक्चुअली मुझे बालों को पूरा कर्ल करवाना था तो अपने आप से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, इसलिए भैया को बुलाया मैंने करवाने के लिए। और चलो आप ये देखो, एंजॉय करो, और फिर जब मैं तैयार हो जाती हूँ तो फिर मिलती हूँ आपको कैमरे के आगे आकर। खोल दिया क्या आपने? नहीं नहीं, ये सब आगे कर लेंगे। ये सब आगे कर लेना, और इसको ट्विस्ट करके कैसे खोलोगे? ऐसे फिंगर से लेके ना, जिगजैग में। अच्छा, तो जिगजैग आएगा ना तो बहुत अच्छा लुक हो जाएगा। ओके गाइस, तो मेरे यहाँ पे हेयर जो है वो बन गए हैं। अब मैं जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और निकलना है हम लोगों को फटाफट से फोटोशूट के लिए। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हमें फोटोशूट के लिए जाना है, और यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओके गाइस, तो मेरा मेकअप हो गया है डन, और अब चलते हैं, निकलते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट शर्ट और जीन्स वेयर करी है। पीयू भी तैयार है। हेलो पीयू। हाय। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा फर्स्ट फोटोशूट है ये। यहाँ पे वर्मा जी भी रेडी हो गए हैं। चलो निकलते हैं। चलो। यस। तो यहाँ पे हम तीनों लोग बैठ गए हैं और पीहू भी बैठी हुई है पीछे। एंड आज ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल फ़ोटो शूट होने वाला है, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी मैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, बट चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। 70 meters. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, एंड अब बस चलते हैं अंदर। व्यू यहाँ पे झूला झूलना स्टार्ट कर दी है। अच्छा लग रहा है। वो अपना रिंग बॉक्स लेके आई है, बोल रही थी मैं उसको बदल बदल के पहनूंगी। हाँ, ये जो हुआ ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। क्या हुआ है? तो अभी हम जा रहे हैं अपना फर्स्ट ड्रेस में फ़ोटोशूट कराने के लिए। चलो। ओके गाइस, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे 12:30 बजे, और उसके बाद 1:30 बजे तक इन्होंने पता नहीं क्या ये लोग बात कर रहे थे। एक्चुअली कुछ ऐसा था कि हम लोग ने फ़ोन में जो कन्वर्सेशन की थी वैसा ना हो करके यहाँ पे ये लोग कुछ और ही बोल रहे थे, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा मूड जो है वो ऑफ हो गया था। तो गाइस, अभी हम लोग 12:30 बजे के आए हुए हैं। अभी बज रहा है 1:10, समय 1 होने वाला है, और अभी तक एज इट इज़ हम लोग बैठे हुए हैं। ना तो ड्रेस चेंज हुई है, ना तो फ़ोटोशूट स्टार्ट हुआ है, और पीयू भी तरह से खेल रही है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है।
तो 1:30 बजे के बाद यहाँ हमारा जो फ़ोटोशूट है वो स्टार्ट हो गया था। एंड फर्स्ट ड्रेस जो है वो हम लोग चाहते थे कि हमारा वाइट शर्ट और पूरा मतलब वाइट शर्ट और जो बॉटम है वो जीन्स में हो, सो वही यहाँ पे हम लोग पहन करके घर से आए थे। और 2 गाउन मैंने यहीं से ही बुक करे थे जो कि आगे आपको अभी देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोटोशूट हुआ था हमारा, मतलब एक्सपीरियंस तो अच्छा था बट ओवरऑल देखें तो फ़ोन वगैरह में वो जो उन्होंने बात करी और फिर वो वैसा हुआ नहीं, सो उससे थोड़ा ना मूड अपसेट हो गया था। लाइक उन्होंने बोला था कि आपको यहाँ पे ज्वेलरी एक्सेसरीज सब मिलेगी बट हमें वो नहीं मिला। और पहले बोल रहे थे कि 2 ड्रेस में मैंने बात की थी कि 2 ड्रेस जो है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी बट इन्होंने बाद में बोला कि आपको एक ही ड्रेस चेंज करने को मिलेगी, तो वो सब करके मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट हुआ था। बट एनीवेज हो गया है। एंड ये यहाँ पे जो है ये मेरी हेल्प कर रही थी मुझे पोज बताने के लिए कि आप ऐसे करो ऐसे करो, और मतलब सारे पोज इन्होंने अच्छे से हमें बताए, अच्छे से समझाया, उसके बाद फ़ोटोज़ भी अच्छे अच्छे क्लिक करवाए। तो अभी हमारी फर्स्ट ड्रेस में ऑलमोस्ट फ़ोटोज़ जो हैं वो हो चुकी हैं, अभी वर्मा जी के साथ भी फ़ोटोज़ लेंगे। मैं सो गई और फिंगर तो नहीं आ रही। सो गाइस अभी हमारा ये इस ड्रेस में फ़ोटोशूट जो है वो हो चुका है और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंच क्लिक करवाए हैं, रील भी बनाया ना आपने? रील भी बनाया है। अब मैं चेंज करने जा रही हूँ दूसरी ड्रेस। हाँ अभी तो उसका भी चलो। ओके गाइस तो यहाँ पे मैंने 3rd ड्रेस जो है वो चेंज कर ली है एंड अब हमारा इस ड्रेस पे जा हो रहा है फोटोशूट। चलो स्टार्ट करते हैं, रेडी? सो गाइस अभी मैं थोड़ा सा थक रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, अभी हमारा बाहर का भी शूट है तो वो वहाँ पे सेटअप वगैरह कर रहे हैं। टाइम हो गया 5:30, मेरे को पता ही नहीं था कि इतनी देर लग जाएगी। टाइम हो गया है, मैं सोच रहा 1 घंटे में खिंच जाएंगे इतने फोटो है ना। हाँ नहीं 1 घंटा नहीं, इन्होंने चलो 1.5-2 घंटे में हो जाता। 2 घंटे तो बोले ही थे कि 2 आवर्स का शूट है बट हमारा 1:30 बजे शुरू और अभी 5 बज रहे हैं, 5:30 सॉरी, बहुत ज्यादा टाइम। चलो अभी तो और टाइम लगेगा इसे बात करने में। अभी ये सारा जो रखा हुआ है कपड़े उतार के उन्होंने यहीं पे रखवा दिया है, मैंने अपना बैग जो है वो पैक कर लिया है, ड्रेस चेंज कर ली है और ये टियारा ऐसे रख लेते हैं। आ जाओ पियू, आ जाओ। तो गाइस चलते हैं, यहाँ का काम तो हो गया है, चलते हैं अभी बैग उठा करके। और ये चश्मा पड़ा है यहाँ पे वर्मा जी का, ले लो ये देखो। चलो मैं तो शूज सामान मुझे ही पकड़ाया जा रहा है, ये देखिए गाइस इतना सामान देखो, मेरी पीयू ले लेती है मेरे से, थैंक यू पीयू। चलो गाइस चलते हैं घर अपने। ओके फ्रेंड्स तो अभी हम लोग निकल लिए हैं यहाँ से, चल दिए हैं, हो गया है सारा काम और बस अब घर चलते हैं, बहुत थक गए हैं, भूख भी बहुत लग रही है। अच्छा हुआ आलू पराठे लेकर के आए थे वो खा लिए थे, पीयू को भी भूख लग रही होगी। हाँ तो चलो भाई चलते हैं।
और अब इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। पता नहीं कितना बड़ा है या कितना छोटा व्लॉग हो गया है, बड़ा ही है आई थिंक। तो चलो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय।